गुड मॉर्निंग दोस्तों। होली पे एक्चुअली मैं अपने गांव में आया हुआ हूँ। पीछे जो है मेरा गांव है, ऐसा आम का पेड़ वेड़ भी दिख रहा होगा आप लोगों को, बहुत सारे आम के पेड़। पूरा बदल गया है एक्चुअली, ये पहले से बहुत ज़्यादा बदल गया है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी लाइफ की जो है 15 साल ऑलमोस्ट यहाँ पे बीता हुआ है। और जो है मैं अभी जा रहा हूँ जहाँ पे वो लाइक बचपन का सबसे फेवरेट प्लेस हुआ करता था हमारा। अक्सर हम लोग स्कूल से आने के बाद यहाँ पे आ जाया करते थे, बड़ा ही मज़ा आता था यहाँ पे। पेड़ वेड़ भी बहुत सारे हैं, मैं आप लोगों को इसकी जर्नी कराऊंगा, ठीक है। तो अभी बस थोड़ी दूर पे है वो प्लेस, एक्चुअली मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ आगे। तो बस मैं अभी यहाँ पे पहुँचने ही वाला हूँ, बस थोड़ी दूर पे है। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो है घर, ये घर जो है पहले नहीं था यहाँ पे, एक घर बन गया है, लाइक बोरवेल हुआ है यहाँ पे शायद गार्डनिंग के लिए। और इसका एंट्री गेट पहले यहाँ पे हुआ करता था, मिट्टी का था ये, ठीक है। सीधे हम लोग जाके घुस जाया करते, लेकिन अब इसको तार से घेर के ऐसे इसको पीछे से इसका एंट्री गेट बना दिया गया है, ठीक है। बड़ी पतला सा है यहाँ पर, बड़ा बारीकी से जाना पड़ेगा। चलो मैं पहुँच गया हूँ, और देखो बोरवेल का पानी यहाँ पर जो है लग गया है। बहुत सारे मतलब यहाँ पे पेड़ वेड़ लग गए हैं। जैसे देखो इधर से दिखाऊंगा तो पूरी की पूरी खाली है इधर। और जो है हमारा गांव उतना छोटा नहीं है, पूरा अंदर तक बहुत बड़ा गांव है हमारा, ठीक है। और मैं ये देखो मेरे पीछे जो है भाई है, मेरे साथ आया हुआ है, पता नहीं दातुन कर रहा है और ठीक है। और वो जो पीछे आपको पेड़ दिख रहा है ना, वही सबसे हमारा फेवरेट पेड़ था, बैर का पेड़ है एक्चुअली। हम लोग उसके बैर बहुत मीठा होता है, ठीक है। मैं उसका खा के भी देखूंगा टेस्ट कैसा है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ इधर, क्योंकि इधर का सिनारियो पूरा ही बदल गया है। इधर पहले बहुत सारे अमरूद का पेड़ हुआ करता था, ठीक है। अभी मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा बारीकी से जाना पड़ेगा, यहाँ पे फिसलन विसलन भी हो गई है। और ये देखिए क्या है, गेस करिए, ये है कुआं। मे भी हो सकता है आप लोगों के लैंग्वेज में कुछ और बोलते होंगे, लेकिन हमारे लैंग्वेज में कुआं बोलते हैं। और इसमें पानी वानी है, लेकिन बड़ा गंदा हो गया पानी, ठीक है। और देखिए ये इतनी मस्त गार्डनिंग इधर कर रखे हैं, पूरे आम के पेड़। ये पेड़ मेरे को लग रहा है कि बरगद नहीं है, कदम का पेड़ है, ठीक है, जो ये वाला पेड़ है। और ये है रहा अमरूद, हमारा फेवरेट, ठीक है। और ये जामुन का पेड़ है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। इधर तो पूरा मेरे को लग रहा है ये चने की खेती हो रखी है शायद, या खुद से ये उग गया होगा चने का खेती, ठीक है। और ये देखिए आम का पेड़ बहुत सारा लगा हुआ है। जब पहले ना वहाँ पे एक बड़ा सा आम का पेड़ हुआ करता था, ठीक है, लेकिन अभी वहाँ पे कट गया है। बैर के बगल में एक उसका पेड़ था बांस का, बांस का तो अभी भी पतला सा दिख रहा होगा आप लोगों को। और उसके बगल में था आम का पेड़, वो शायद अभी काट दिया गया है और नई नई हो गई है आम के पेड़ की खेती। और ये सब जब बड़ा होगा ना पेड़, तो मस्त दिखेगा एकदम, ये फार्म हाउस की तरह दिखेगा पूरा का पूरा। देखिए इधर भी आम का पेड़, पूरा इसको आम का बगीचा ही लगाने का प्लान किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत सा विशाल पेड़ था, मेरे को याद आ रहा है शायद उस चीज़ को कटवा दिया गया है कि क्या, देखिए वो एक बचा हुआ है वहाँ पे, एक विशाल सा पेड़, ठीक है, शीशम का पेड़ था वो। इधर लाइक शायद इधर लोग आते रहते हैं हमेशा। देखो रास्ता जो है, ये पूरा रास्ता बना हुआ है, बढ़िया सा रास्ता बना हुआ है। और यहाँ पे भी एक बैर का पेड़ था, देखते हैं है कि नहीं, है एक्चुअली बैर का पेड़। मैं आपको खा के इसका टेस्ट बताता हूँ कैसा है, ठीक है दोस्तों। अरे वाह वाह, ये देखिए एक खासियत मैं देख रहा हूँ कि आम का जो पेड़ है ना, अभी से ये फटना स्टार्ट हो गया। देखिए इसमें ना छोटे छोटे आम अभी से आ रखे हैं, और ये पेड़ आप देखिए कितना छोटा है, सीरियसली कितना छोटा है ये आम का पेड़, है ना। और ये रहा बैर का पेड़। और खा मैंने इसका एक्चुअली बैर, हम लोग इसका खाते नहीं थे कभी, क्योंकि ये पहले बहुत छोटा हुआ करता था। और इसको टेस्ट उतना बुरा नहीं है, लेकिन सही है, लेकिन कंपेयर करेंगे उससे जो हमारा फेवरेट हुआ करता था बैर, ठीक है। और इधर थोड़ा देखते हैं, पूरा तार से घेर दिया गया पहले मिट्टी का ना, ये पूरा मतलब मिट्टी का ऊंचा सा था, इधर क्रॉस करके नहीं जा सकते हैं अपन, बॉर्डर बन गया है ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। और ये देखिए इधर इधर से कुछ भी नहीं दिखेगा आप लोगों को, अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो देखिए ये जो ऑरेंज कलर का है, ये एक मंदिर है जो कि किसी और गाँव में है, हमारे गाँव से नहीं है वो, हमारे गाँव में नहीं है, ठीक है। और देखिए गाँव की हरियाली यार, मज़ा ही कुछ और आ जाता है देख के एकदम। उधर एक गांव है जिसका नाम अहिरौली है।
और मैं अभी गिरते गिरते बचा क्योंकि रास्ता भी थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ है। आप लोग देख सकते हैं कैसे, मतलब ये यहाँ से गड्ढा जाके ऐसे हो गया है, तो थोड़ा सा मेरे को संभल के चलना भी पड़ेगा यहाँ पे। अब मैं जा रहा हूँ वापस। और ना आपको मैं एक बहुत ही फेवरेट प्लेस पे लेके चल रहा हूँ, जिस जो मतलब यहाँ पे ना एक छोटा सा मंदिर भी हुआ करता था। मंदिर मतलब ऐसे मंदिर जैसा नहीं था, लेकिन मतलब बस बैठने के लिए अच्छा सा प्लेस बना हुआ था, भगवान का वहाँ पे बना हुआ था। तो उस प्लेस में मैं जैसे बीच बीच रास्ते से मैं जा रहा हूँ, ठीक है। इसको मेथी कहते हैं दोस्तों, देखिए ये जो जमा हुआ है इसको मेथी कहते हैं। बहुत लोगों को पता नहीं होगा, मैं दिखा दे रहा हूँ, जो लोग शहर में पले बड़े हैं, लेकिन हम लोग बचपन से यहाँ पे रहे हैं तो हम लोग को पता है ये चन्ने का जहाँ जमा हुआ है। और ये देखिए मैं इस मंदिर की बात कर रहा था, ठीक है। ये हम लोग कभी कभी इस पे आते थे ना, इस पे बैठ जाया करते थे, बड़ी मतलब साफ सा प्लेस था। अभी भी साफ है एकदम मस्त। मैं यहाँ पर प्रणाम कर ले रहा हूँ माता को, ठीक है। माता का ये मंदिर है। और पहले ना इसको मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, इस पे मतलब ऐसे ऊपर से पुआल वाल से इसको अच्छे से बना दिया गया था मंदिर की तरह, और बड़ा मज़ेदार था। मतलब कि आके घाम वाम भी रहता था, धूप वूप भी रहता था, तो हम लोग नीचे आके बैठ जाया करते थे, ठीक है। और ये फूल भी लगा हुआ है यहाँ पर मज़ेदार, ये तो नेचुरली चीज़ है, ये माता की कृपा से ऑलरेडी ये उगा हुआ है। और मैं दोस्तों आपको सबसे जो फेवरेट पेड़ था हमारा इस ये बैर का पेड़, ये बहुत बड़ा हुआ करता, पहले पता नहीं कैसे छोटा हो गया है ये, लेकिन ये ना दोस्तों बहुत बड़ा हुआ करता था। और मैं यहाँ पे आऊँ और इस बैर को बिना खाए चले जाऊँ, दैट कैन नॉट हैपन, राइट। और देखिए इसका फल भाई, देखो नीचे तक फल बोल रहा है कि आ जाओ मुझे खाओ, ठीक है। ऊपर मतलब पके पके से है, नीचे थोड़े से कच्चे हैं, लेकिन मेरे को जो भी मिलेगा उसको मैं खाऊँगा। और ये सीरियसली इट इज ऑसम। आपको बता नहीं सकता टेस्ट कितना मस्त होता है इसका, ठीक है। बहुत अब देखिए कोई तोड़ने वाला नहीं है, जब हम लोग रहते थे ना तो हम लोगों का जनरेशन ही अलग था, एक भी नीचे गिरता नहीं था, पूरे के पूरे हम लोग उठा कर लेके चले जाते थे और खाते थे मजे से। लेकिन अभी तो जनरेशन मोबाइल में बिजी हो गया है, तो अभी टाइम ही कहाँ मिलता है सब चीज़ों करने के लिए। और इतना बड़ा है ना ये गार्डन कि मैं इसको घूमते घूमते, ये देखा जामुन बोलते हैं इसको, बहुत लोगों को पता नहीं होगा लेकिन इसको बोलते हैं जामुन। और ये बड़ा हो जाएगा, पेड़ बहुत बड़ा होता है, हम लोग एक घर में भी लगाए हुए हैं इसको, और वो ना बहुत बड़ा हो गया घर में। और ये शीशम का पेड़ है, शीशम इसमें बहुत था लेकिन कटवा दिया गया है शायद इसको चीज़ को। और मैं जिस जामुन की बातें कर रहा था, ये देखिए बड़ा सा जामुन का पेड़, ये शायद पहले नहीं था, ये अभी हो गया, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है जामुन का पेड़ वैसे। और दोस्तों मैं आ गया हूँ सबसे डरावना प्लेस पे, तो इसको हम लोग सबसे मतलब यहाँ पे डरावना प्लेस मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत एक बड़ा सा बैर का पेड़ था और ये पर जंगल जैसा यहाँ पे था, तो हम लोग इधर आने से डरते थे, तो हम लोग उधर से ही रास्ते को मतलब उधर से कट के हम लोग चले जाते थे, बट इधर नहीं आते थे हम लोग, ठीक है। तो ये अभी पूरा खाली हो गया, पेड़ वेड़ कट गया है तो इसकी वजह से ये खाली हो गया है, बट इधर मेरे को स्टिल डर लग रहा है, क्योंकि जो दिल में बैठ जाता है वो बैठ जाता है, ठीक है। और इस प्लेस पे पता नहीं हम लोग इस प्लेस पे क्यों ऐसे डरते थे, लेकिन स्टिल ये बड़ा मज़ेदार लग रहा है। और वो पेड़ मेरे को बड़ा सुंदर लग रहा है, पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है, अगर आप लोगों को पता हो तो बताएं। मैं जूम कर दे रहा हूँ थोड़ा सा इस चीज़ को, और आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिए, ठीक है। वैसे शीशम सागवान बहुत लगे हुए हैं इसमें। और यहाँ पे एक और हमारे जो दादा थे, ठीक है, हमारे दादा के भाई बोल सकते हैं, तो उनका यहाँ पे संस्कार हुआ था, दाह संस्कार। तो मैं इनका पहले यहाँ पे चप्पल खोलूँगा, देखिए मैं यहाँ पे अपना चप्पल खोल लिया हूँ और मैं जा रहा हूँ यहाँ पे नमस्ते कर लेने, प्रणाम कर लूँगा बाबा को, ठीक है। और ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को मैं ऑलमोस्ट गार्डन घुमा दिया हूँ, अभी बहुत दूर में है, उधर उधर जाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं अब यहाँ से निकलूँगा और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको और मेरे फेवरेट प्लेस पे लेके जाऊंगा, क्योंकि हम लोग बचपन में ना बहुत इधर उधर घूमते थे, ठीक है। अभी तो लोग पता नहीं इधर घूमने आते हैं कि नहीं आते हैं, लोग गार्डनिंग वार्डनिंग कर दिए हैं मस्त, लेकिन
चलिए ठीक है, अब घर पे पूजा भी करना है होली के लिए, तो अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।